कैसे हैं? मजा आ रहा है ना मलयालम सीखने में? तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो तो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि आज हम लोग बातें करेंगे यहाँ, वहाँ, कहाँ और नहीं के बारे में। ठीक है, शुरू करें। सर नमस्कार। नमस्कार। सर सबसे पहले हम लोग को बताइए सर, बहुत यूज होता है कोई भी सामान यहाँ है, वहाँ है, कहाँ है, नहीं है, तो इसका प्रयोग सर इसमें बता दीजिए सर। यहाँ, वहाँ, कहाँ, नहीं। हाँ, इविडे अविडे एविडे इल्ला। अच्छा, फर्स्ट यहाँ। अच्छा, यहाँ। इविडे 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 इधर। अच्छा, इविडे यहाँ। इविडे पास के लिए ई। इविडे इविडे। अच्छा, वहाँ। वहाँ अविडे। अच्छा, अविडे अविडे। अच्छा, तो फ्रेंड्स पहले अविडे इविडे सीख लेते हैं, उसके बाद सेंटेंस बनाएंगे इसी वीडियो में। ई आ इविडे अविडे। इविडे अविडे। अच्छा अच्छा, कहाँ? एविडे। अच्छा, एविडे 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 कहाँ? इविडे अविडे एविडे 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 कहाँ? अच्छा, ई आ ए ई आ ए इविडे अविडे एविडे एविडे। और नहीं नहीं इल्ला इल्ला इल्ला। अच्छा, नहीं के लिए इल्ला इल्ला। अच्छा सर, यदि हमें बोलना है चाहिए चाहिए वेनम चाहिए वेनम। और यदि बोलना है चाहिए क्या? वेनो। अच्छा, चाहिए वेनो वेनो। अच्छा, चाहिए वेनो चाहिए क्या? वेनो वेनो। तो सर पानी को वेनम बोलते हैं ना। तो सर यदि हमें बोलना है, मान लीजिए हमारे घर कोई आया तो हमें पूछना है पानी चाहिए क्या? वेलम वेनो। अच्छा, वेलम वेनो वेलम वेनो। फ्रेंड्स देखे, वेलम वेनो पानी चाहिए क्या? तो वो बोलता है सर चाहिए। अच्छा, तो चाहिए। हाँ, वेलम वेनम मतलब पानी चाहिए। और सर जैसे पानी नहीं चाहिए, वेलम वेंडा। अच्छा, वेलम वेंडा। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। वेलम वेंडा। तो सर अभी तक हम लोग इल्ला के बारे में जान रहे थे, वेंडा भी नहीं होता है ना? वेंडा भी है। इल्ला वेंडा इल्ला वेंडा, दो शब्द सीखे, नहीं के लिए इल्ला वेंडा। तो वेलम वेंडा मतलब पानी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा, और फिर हमें बोलना है सर पानी नहीं चाहिए, जूस चाहिए या कॉफी चाहिए? जूस वेनम। अच्छा, जूस वेनम। अच्छा, जूस वेनम जूस वेनम। तो फ्रेंड्स यदि कोई बार बार आपको पानी ही पिलाता है तो फिर बोलिए वेलम वेंडा जूस वेनम मतलब पानी नहीं चाहिए, जूस चाहिए। अच्छा, तो सर उसी तरह से दो दीजिए, दो दीजिए कोडुकू कोडुकुगा और तरू। हाँ, तरुका। अच्छा, उसके लिए तो दो दीजिए, तो सर पानी दो बोलना होगा तो फिर वेलम कोडुकू बोल सकते हैं क्या? कोडुकू वेलम तरु। अच्छा अच्छा, उसी प्रकार लो लीजिए एडुकू एडुकुगा। अच्छा, एडुकू एडुकुगा। अच्छा अच्छा, सर यदि हमें कहना है मुझे नहीं चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई चीज है, यदि हमें कहना है मुझे नहीं चाहिए तो कैसे बोलेंगे सर? मुझे नहीं चाहिए एनिके मुझे। हाँ, नहीं चाहिए वेंडा। अच्छा, नहीं चाहिए। हाँ, वेंडा। हाँ, तो फ्रेंड्स इल्ला तो हम लोग जान रहे थे, साथ साथ वेंडा ये दोनों का प्रयोग हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना? वेंडा मतलब नहीं चाहिए। सर यदि बोलना है मेरे पास नहीं है, मेरा पास नहीं है। हाँ, मेरा येंटे। अच्छा, पास अडुत। अच्छा, नहीं है इल्ला। अच्छा, मेरा पास नहीं है। हाँ, एंडे अडुत इल्ला। अच्छा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इल्ला का जो प्रयोग है ना, कोई भी सामान जब अपने पास नहीं रहता है तो उसके लिए इल्ला का प्रयोग करते हैं। तो सर यदि मैं बोलना है मेरे पास पेन नहीं है, एंडे अडुत पेन इल्ला। अच्छा, एंडे अडुत पेन इल्ला। तो जब नहीं है, कोई भी सामान नहीं है बोलना होगा तो इल्ला का प्रयोग करेंगे, और नहीं चाहिए रहेगा तो वेंडा का प्रयोग करेंगे। हाँ, वेंडा इल्ला हम लोग और भी सीखेंगे। चलिए सर यदि हमें बोलना है झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो कलम परयरुद कलम झूठ। हाँ, कलम झूठ के लिए सर। और मत बोलो परयरुद परयरुद मत बोलो, और दूसरे में लिखेगा अरुद 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 अरुद।
अच्छा तो सर इल्ला वेंडा अरुत अरुत का मतलब भी नहीं हुआ सेंटेंस मत 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 इसका भी प्रयोग जो है नेगेटिव में करते हैं इल्ला वेंडा अरुत मत तो सर यदि हमें बोलना है झूठ मत बोलो ठीक है ना तो बोल दिया हम लोग कल्ला पारे यदि हम बोलना है मत जाओ ओ वेरुत हाँ देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ओ वेरुत मत जाओ पो गरुत पो गरुत मतलब क्या हुआ यहाँ पे देखिए यहाँ पे अरुत छिपा हुआ है पो गरुत मत जाओ यदि हमें बोलना है सर मत देखो नो करुत नो करुत देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी नो करुत मतलब यहाँ भी अरुत जो है ये छिपा हुआ है नो करुत तो इल्ला वेंडा अरुत ये सभी जो है नेगेटिव मीनिंग देने वाले हैं है ना yes. चलिए सर अभी तो हम लोग नहीं का मतलब अच्छी तरह से जान लिए ना फ्रेंड्स नहीं का मतलब कहीं वेंडा लगेगा कहीं इल्ला लगेगा कहीं अरुता लगेगा चलिए अब सर यहाँ वहां और कहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से एक्सप्लेन कर दीजिए सर यदि हमें कहना है आप कहाँ रहते हैं आप कहाँ रहते हैं എവിടെ താമസിക്കുന്നു ആ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് താങ്കൾ കഹാം എവിടെ കഹാം എവിടെ രഹതാ ഹേ താമസിക്കുന്നേ താമസിക്കുന്നേ ठीक है आप कहाँ रहते हैं तांगल एविडा तामसिक्युन्ने आप कहाँ रहते हैं तो फ्रेंड्स आज यदि आपको लगता है ना टफेस्ट लैंग्वेज ऑफ द इंडिया जो है ना इजीएस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया बन सकता है बिल्कुल आपके चलते सर आज बिल्कुल बन जाएगा तो आप कहाँ रहते हैं तांगल एविडे तामसिक्युन्ने तो सर ये तो हो गया आप कहाँ रहते हैं तो फिर मुझे बताना होगा ना मैं यहाँ रहता हूँ ज्ञान इविडे ज्ञान अपने लिए ज्ञान हो गया सर अपने लिए ज्ञान हाँ ज्ञान मतलब मैं ज्ञान मतलब मैं यहाँ इविडे इविडे ज्ञान इविडे मतलब यहाँ मैं यहाँ तामसिक्युन्ने सेम तामसिक्युन्ने सेम ज्ञान इविडा तामसिक्युन्ने अच्छा देखिए फ्रेंड्स तामसी क्युन्ने मतलब मैं यहाँ रहता हूँ मैं यहाँ रहता हूँ अच्छा तो सर यदि हमें कहना है कि तांगल एवड़ा तामसी क्युन्ने आप कहाँ रहते हैं यदि कोई छोटा रहा तुम कहाँ रहते हो नी तो वहाँ पे नी बोलेंगे नी नी बोलेंगे हाँ नी एवड़ा तामसी क्युन्ने तो फ्रेंड्स देखिए यदि विदाउट रिस्पेक्ट बोलना है नी एवड़ा तामसी क्युन्ने तो फिर यदि मैं बोलना सर मैं आंसर तो एक ही रहेगा मैं वहां रहता हूँ यार आविड़ तामसिक्युन्नु अच्छा तो फिर यहाँ पे हम लोग आविड़ बोल देंगे yes. अच्छा आविड़ आविड़ मतलब वहां मैं वहां फिर तामसिक्युन्नु 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 तामसिक्युन्ने दोनों अच्छा दोनों बोल सकते हैं तामसिक्युन्नु मैं उधर रहता हूँ तामसिक्युन्ने दोनों बोल सकते हैं चलिए बहुत अच्छा सर ये तो बहुत यूजफुल है सर यदि बोलना है हमें राम कहाँ रहता है राम एविडे तामसिक्युन्ने अच्छा सेम ही रहेगा सर बस इसकी जगह राम जस्ट तांगल का जगह में राम फ्रेंड्स देखिए कितनी आसान तरह से हम सीख रहे हैं तांगल का जगह राम एविडे तामसिक्युन्ने मतलब राम कहाँ रहता है सर यदि राधा रहेगी तो राधा एविडे तामसिक्युन्ने अच्छा राधा एविडे तामसिक्युन्ने ठीक है और यदि बोलना है राधा यहाँ रहती है तो राधा इविडा तामसिक्युन्ने राधा इविडे तामसिक्युन्ने और राधा आविडा तामसिक्युन्ने राधा आविडा तामसिक्युन्ने बहुत आसान है सर बहुत आसान है आप कहाँ गए थे जी मैं पूछना है किसी से आप कहाँ गए थे तांगल एविडे पोई अच्छा तांगल एविडे पोई अच्छा एविडे पोई एविडे पोई मतलब कहाँ गए थे एविडे पोई पोई एविडे पोई मतलब कहाँ गए थे एविडे पोई कहाँ गए थे यदि हमें बोलना है मैं वहाँ गया था ज्ञान अविडे पोई हाँ ज्ञान अविडे मतलब मैं वहाँ गया था अविडे पोई मतलब मैं वहाँ गया था फिर मैं यहाँ गया था न्यान इवड़े कोई मैं यहाँ गया था सर अब इसका प्रयोग करते हैं सर थोड़ा सा ये तो बहुत यूजफुल है यदि हमें कहना है सर किसी को कि कोई भी चीज जैसे राम कहाँ है राम कहाँ है यदि हमें बोलना है राम कहाँ है राम इवड़े उंडे इवड़े उंडे हाँ देखिए फ्रेंड्स
इविडे उंडर उंडर मतलब कहाँ है, कहाँ है? हाँ। उसका उत्तर है राम यहाँ है। हाँ। राम इविडे उंडर। अच्छा राम इविडे उंडर मतलब राम यहाँ है।, है। अच्छा इविडे उंडर कहाँ है? इविडे उंडर यहाँ है, यहाँ है। तो सर सबके लिए हो गया सर, राम जैसे बोलते राम इविडे उंडर, यदि राधा बोलते सर राधा इविडे उंडर। अच्छा राधा यहाँ। सर पेन के लिए मान लीजिए बोलना है पेन, पेन इविडे उंडर, मेरा पेन कहाँ है? എന്റെ പെൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്। അച്ഛാ ഇവിടെ എന്റെ പെൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്। അച്ഛാ ഇവിടെ ഉണ്ട്। ഫ്രണ്ട്സ് ദേഖി കിത്നാ ആസാൻ ഹൈ, മത്ലബ് ക്യാ ഹൈ, രാം രഹേ, രാധ രഹേ, പെൻ രഹേ, പങ്ഖ രഹേ, കുച്ച് ഭീ രഹേ, ഉസ്കേ ലിയേ ഉണ്ട് ഹി ഹൈ। ഇവിടെ ഉണ്ട് യഹാ ഹൈ, അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട്, ഹാ വഹാ ഹൈ, എവിടെ ഉണ്ട് കഹാ ഹൈ। तो सर ये तो बहुत ही यूजफुल रहा सर, ये लेसन तो बहुत यूजफुल रहा। उम्मीद है फ्रेंड्स कि स्टेप बाय स्टेप में आज का स्टेप बहुत जोरदार रहेगा और अब अपने सामान के इंक्वायरी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी से भी पूछ सकते हैं यहाँ है, वहाँ है, कहाँ है ना सर। तो फ्रेंड्स मजा आ रहा है ना? फ्रेंड्स मजा आता है, अच्छा लगता है, तो क्या करना है, अपने और फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। क्यों? क्योंकि भाषा ऐसी चीज है कि जितना अधिक बातें करेंगे उतनी अधिक उस पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, अगले वीडियो में फिर मिलें, बाय बाय।